हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं मेंस के लिए। तो बेसिकली दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि आपके अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, आरबीआई असिस्टेंट मेन्स हो गया, एसबीआई क्लर्क मेन्स हो गया, तो उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, लाइक 2 और 3 मार्क्स के, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपका अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है सर्कल में बैठे हैं, ठीक है, उनको आपको फाइंड करना है। तो वो क्या होते हैं, ट्रिकी से छोटे से क्वेश्चंस होते हैं और 2-3 मार्क्स के ही होते हैं, बट डूएबल होते हैं, ठीक है, और उनको करना भी आपके लिए ज़रूरी रहता है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बन रहे तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से ही स्कोर करना पड़ता है ना। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे लगातार, ताकि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम ना आए, है ना। सो आज के क्वेश्चंस जो है वो मैंने स्मार्टकीड़ा की साइट से लिए हैं। इनकी जो वेबसाइट है वहां जाकर आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और साथ ही इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं इनकी साइट से। प्लस सेम आपके जो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं टाइप के जो मॉक हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो टेस्ट जोन, इनकी टेस्ट सीरीज का जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाके इनके जो फ्री फुल मॉक होते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ मॉक आपके फ्री हैं जो कि लाइव हो चुके हैं, सो आप लोग वहां जाकर अपना देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। फिर इनकी टेस्ट सीरीज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, सो ये है पूरी इनकी वेबसाइट का क्विज। आप लोग इंडिविजुअली भी टॉपिक को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो कुछ नंबर ऑफ पर्सन हैं जो कि सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं और एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, है ना। However, information about few of them is given only. जिनमें से केवल कुछ की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। देखो कुछ नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, ठीक है, उनमें से भी कुछ की इंफॉर्मेशन आपकी है, ठीक, यानी कि आपको कुछ पर्सन की सीट्स बनानी है। लेकिन जिन जिन पर्सन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाए, यानी कि उनसे रिलेटेड जो भी चीज बताई जाए, उनके नाम बता दिए जाए या उनको क्या पसंद है, कुछ वेरिएबल बता दिया जाए, तो आपको उनकी सीट पे फिक्स करना है। लेकिन कहीं कहीं ये भी होगा कि खाली आपको सीट बनाकर छोड़नी है कि कोई पर्सन वहां बैठा है बट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है। काफी लोग उसको वैकेंट समझ लेते हैं बट वो वैकेंट नहीं होता, हमें नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन वैकेंट नहीं है वो, ठीक है। वैकेंट पता होना तो एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता चल गया कि वहां पर्सन नहीं बैठा है, बट पर्सन बैठा है वहां पे लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है, है ना। तो इस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस बनाकर आप लोग चले, ठीक है। देन हाउएवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर टेबल इज 540 सेंटीमीटर। तो जो एरिया है पूरा आपका, किसका, जो सर्कुलर टेबल है उसका, वो 540 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इंक्रीज इन कंसेक्यूटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 6, है ना। तो जो डिस्टेंस है आपका दो एडजेसेंट पर्सन का, वो इंक्रीज होता जा रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, 6 के मल्टीपल में, ठीक है। प्लस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आगे यहाँ पे ये कह रही है द डिस्टेंस इंक्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है जो इस तरीके से चलती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो इस तरीके से चलती है, ठीक। मतलब आपको जो नंबर है वो इधर की तरफ बढ़ाने हैं, है ना। तो इनको क्या करना है, जब आप इंक्रीज करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 के मल्टीपल में इंक्रीज करोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 के मल्टीपल में है तो 6 से ही स्टार्ट होगा। 6 के मल्टीपल में है तो मे बी ये 24 से स्टार्ट हुए, लगातार 6 के मल्टीपल में चलता रहे, जैसे कि 24 से स्टार्ट कर दे, फिर 24, 30, 36, 42, ओके। एंड इसके अलावा मे बी ये 12 से स्टार्ट कर दे, 12, 18, 24, है ना, या 6 से स्टार्ट कर दे। अब देखो आप कैसे पता करोगे इसमें, कि आपको तो पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। फिर आपको यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने देखो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है कि इस और इस पर्सन के बीच में इतने का गैप है ना, जिससे हम पता कर सके कि हाँ ठीक है, इस टाइप की ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, बहुत सिंपल सी अप्रोच है, ठीक। इन्होंने ये बोला कि जो लगातार मल्टीपल हैं वो 6 के चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये तो नहीं पता है कि नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि ठीक है 6 से स्टार्ट हुए होंगे, ठीक, ये हमने माना है ना। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे कि हमने 6 से स्टार्ट करा तो 6 आया, ठीक है। 6 के बाद क्या आ गया आपका 12, फिर 18, ठीक है। 18 के बाद क्या आएगा आपका 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 हो गए आपके 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28, 28 और 8 36, 36 और 4 40, ठीक है। ये हो गया 0 4, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, 26 और 3 29, 29 और 2 31, 32 और 33, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 330, ठीक है। तो ये 330 हो गया। अब देखो हम ऑलमोस्ट इसके पास है 540 के, क्योंकि ज्यादा आपको लंबा नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अब नंबर्स भी बड़े बड़े ऐड होंगे, है ना। 60 के बाद नेक्स्ट आपका मल्टीपल क्या होगा 66 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 396, ठीक है। 66 के बाद क्या आएगा आपका 72 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 468, 72 के बाद आपका क्या आएगा 78 आएगा, कितना हो गया आपका 546। अब आप यहीं रुक जाओ, देखो 540 एंड 546, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे, देखो ये एक्स्ट्रा हो गया 546, है ना। तो यहाँ पर जब डिफरेंस आप देखोगे तो कितने का आ रहा है 6 का आ रहा है, यानी कि 5 यहाँ पर आपका अगर हम स्टार्टिंग का 6 हटा दें और 12 से स्टार्ट करें और 78 तक लेकर आए तो हमारा जो है 540 वाला बनेगा, ठीक। अगर आप इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहोगे तो आपको क्या ऊपर के नंबर क्या करने पड़ेंगे इरेज करने पड़ेंगे, लेकिन आपका जो 540 है वो नहीं बनेगा। तो बेसिकली यही होता है कि आप 6 से स्टार्ट करो या फिर जो भी मल्टीपल है उससे स्टार्ट करो, फिर जहां जब आप उस नंबर तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो पहुंचने के बाद आप जब उससे ऊपर पहुंच जाओगे, ज्यादातर आप ऊपर ही पहुंचोगे, ठीक है। या तो आपको एज इट इज मिल जाएगा, सेम नंबर मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर पहुंचोगे। तो जब आप ऊपर पहुंचो तो आप जो स्टार्टिंग के नंबर्स हैं उन्हें आप इरेज कर दो, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 6 का डिफरेंस था, ठीक है। 6 का डिफरेंस ना होके यहाँ पर क्या होता 12 का डिफरेंस होता, यहाँ पर होता आपका 552 टोटल आ रहा होता। आई एम सॉरी 12 का नहीं 18 का लीजिए, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है आपको मान लीजिए 18 का टोटल आ रहा होता है ना, और मान लो ये 6 आपने ले रखा है, ठीक। 18 का टोटल आ रहा होता तो आप क्या करते 540 को लेस कर लेते, ठीक है। तो आपका 18 आ जाता। तो आप क्या करते ऐसे नंबर्स को हटाते जो कि मिलकर 18 बना रहे हो, जैसे कि स्टार्टिंग के 6 और 12, ठीक। लेकिन बीच के नंबर नहीं हटेंगे क्योंकि लगातार मल्टीपल आपको चाहिए, है ना। अब ये मैंने एक कंडीशन बताई है 6 के संग में भी, किसी अदर के साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप 6 और 12 हटा देते। अब आप 18 से लेकर 78 तक चलोगे या फिर 18 से लेकर जो भी कोई नंबर होगा वहां तक चलोगे तो आपको कंप्लीट आपका जो एरिया है वो मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या होता है चलना होता है। खैर यहाँ पर आपको क्या करना है 6 को हटाना है, ठीक है। तो 12 से लेकर आपको 78 तक चलना है, तो 78 तक टोटल जो आपके पर्सन है वो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल आपको 12 पर्सन का यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, ठीक। तो इसको बना लेते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको 12 से स्टार्ट करना है 78 तक। अब इन्होंने ये कहा था कि U से बैठेंगे और एंटी क्लॉकवाइज बैठेंगे, तो आप U को कहीं बैठा सकते हो, यहाँ बैठा दो, ठीक है। अब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते जाओ, ठीक है। क्लॉक कैसे चलती है इस तरीके से, आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा आपका 12 का, ये कितना होगा आपका 18 का, ये कितना होगा आपका 24, ये 60, 66, 72 एंड 78, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब देखो इन्होंने क्या कहा है L इज थर्ड टू द राइट ऑफ G हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Y। तो L जो है वो थर्ड टू द राइट है किसके G के, और G जो है वो इमीडिएट राइट है किसके Y के, ठीक है। देन ओनली 2 पर्सन सिट्स विद only two persons sit between y, u and y. u और y के बीच में आपके खाली दो पर्सन का गैप होगा, तो अभी आप क्या कर सकते हो, या तो u की राइट में गैप दे दो, लेफ्ट में दे दो, ठीक। 1 और 2 का गैप करके आप y यहाँ लिख सकते हो, 1 और 2 का गैप करके आप y यहाँ लिख सकते हो, और चाहो तो इस पॉइंट से भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन अभी रुक जाओ, आगे कभी पढ़ लो, क्योंकि छोटा सा ही क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटीज तो ऑब्वियसली एलिमिनेट होंगी, तो मे बी हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे कि हम लोग बिना डायग्राम बनाए पॉसिबिलिटी को इरेज कर पाए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, n इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ l, तो n जो है वो सेकंड है l की लेफ्ट में। x इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ u, x जो है वो थर्ड है टू द लेफ्ट ऑफ u, तो 1, 2 and 3 x आपका यहाँ पर आएगा, ओके x यहाँ पर आएगा। अब देखो x यहाँ पर आया यानी कि y यहाँ फिक्स होगा, ठीक। देन x और u जो है वो एडजेसेंट नहीं है किसके, l के, तो x और u दोनों ही L के एडजेसेंट नहीं होंगे। फिर आगे कह रहे हैं ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन L एंड X, L और X इनके बीच में आपका खाली एक पर्सन का गैप आएगा, है ना। अब यहाँ पर X फिक्स हो गया तो यहाँ Y आ गया, Y के इमीडिएट राइट में G आएगा, और G के थर्ड टू दी राइट में 1, 2, 3 L आ जाएगा, तो 1, 2, 3 L आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसको हटा दो, L की लेफ्ट में आपका N आएगा सेकंड नंबर पे, तो N आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अच्छा, X और U के पास L नहीं आएगा, तो X और U के पास L नहीं हो गया, L और X के बीच में एक का गैप है, तो L और X के बीच में एक का गैप हो गया, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो समाप्त हुआ, ओके। गिवन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन G एंड L व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ G, सो G और L के बीच में आपका कितना डिस्टेंस है जब आप G के राइट से काउंट करते हो, तो आप इसको क्या करोगे, प्लस कर लो, 8 और 2 10 और 6 16, 4 4 8 4 3 12 यानी कि 126, ठीक है। ऑड वन आउट निकालना है, सो Y और N, सो Y हो गया यहाँ पर N हो गया, देन L और N, L हो गया और N हो गया, दोनों में एक एक का गैप है, L और X एक एक का गैप है, फिर U और X में गैप ज्यादा है, N और X में भी गैप ज्यादा है, तो फिर आपका यहाँ पर ऑड क्या हुआ, ठीक है। इनके डिस्टेंस को देखते हैं एक बार, Y और N, ठीक है, 30 और 36, अगर आप इन्हें ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, 96 यानी कि इवन मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पर सबका टोटल करते हुए इवन ही मिलेगा, है ना। तो Y और N ये राइट साइड में जा रहा है, L और N ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, L और X ये भी राइट साइड में जा रहा है, U और X ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये भी आपका ऑड नहीं है। फिर इसके अलावा देखते हैं, Y और N के बीच में एक का गैप है, L और N के बीच में एक का गैप है, L और X के बीच में एक का गैप है, U और X के बीच में 2 का गैप है, N और X के बीच में 3 का गैप है। एक्चुअली यहाँ पर U और X जो है वो ऑड वन आउट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका बाकी के सब में ऑड नंबर ऑफ पर्सन का गैप है, जबकि U और X के बीच में इवन पर्सन नंबर का गैप होगा, ठीक। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 डिफरेंट लैटर्ड मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, डायरेक्शन राइट और लेफ्ट आर बेस्ड ऑन नॉर्थ डायरेक्शन। अगर ये आपका लिखा हुआ नहीं भी होता है तब भी आप लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके ही इन्हें बैठालते हो। हमेशा से याद रखना, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें जो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, मतलब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि जनरली अगर आप CA इंग्लिश में पढ़ते हो तो वो वर्ड का यूज होगा, मतलब ऐसा वर्ड जो कि नॉर्मल है, ठीक। कभी कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं आता है, बहुत ईजी, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, कंप्यूटर, रीजनिंग, मतलब बहुत ऐसे एकदम नॉर्मल से वर्ड देते हैं कि आपने सुने ही होंगे, है ना। गिवन है C was written at one of the end, C जो है वो किसी एंड पर होगा, ठीक है, उसको लिख लो, C जो है वो कहाँ होगा, एंड पर होगा, ठीक। फिर L was written towards to the right of O, O के राइट में आपका L आएगा। देन 2 लेटर्स वर रिटन बिटवीन M और E, M और E के बीच में 2 लेटर आएंगे। फिर P was written second to the left of E, P जो है वो सेकंड टू दी लेफ्ट है किसके, E के। M was written 4 टू दी लेफ्ट ऑफ X, M जो है वो 4th है टू दी लेफ्ट ऑफ X, ठीक है। फिर I was written सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ Y, ठीक, I जो है वो Y के सॉरी I जो है Y के सेकेंड टू दी लेफ्ट में आएगा। देन neither M nor X was written beside C, M और X जो है वो C के आसपास नहीं रहेंगे, मतलब C के एडजेसेंट नहीं है। देन T was written सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ और सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, टी जो है वो सेकंड टू द राइट है किसके, एक्स के। ठीक, तो कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, आई थिंक आप लोग एम और ई से कर सकते हो क्योंकि इससे कनेक्टेड पॉइंट काफी मिल रहे हैं, है ना, सी से तो मिल नहीं रहे हैं ज्यादा। तो इस वाले पॉइंट को उठाएंगे हम लोग, एक्स लेंगे 1, 2, 3 और फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, एम। ठीक, इसको हटा दें, फिर एम और ई के बीच में 2 का गैप होगा तो एम हो गया। ठीक, ई के बीच में 2 का गैप है तो 1 और 2 का गैप करके ई यहाँ पर आ जाएगा, 1 और 2 का गैप करके आपका ई यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, फिर ई के सेकंड टू दी लेफ्ट में पी आएगा तो पी यहाँ आ जाएगा और इस कंडीशन में पी यहाँ आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इसमें देखो कि टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, लेकिन 10 तो हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपका किसी एक एंड पे सी बैठेगा और यहाँ पे दोनों एंड पर आपके पर्सन फिक्स होगा, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक, इस पर आ जाओ, तो इसमें क्या है, एक्स के सेकंड टू द राइट में टी आएगा तो यहाँ पर आ गया टी। ठीक, इसे हटा दो, इसे हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा, यानी कि अभी आपको 3 और बढ़ाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद है m और x के एडजेसेंट आपका c नहीं आएगा, तो देखते हैं हम लोग 3 और कहाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, c जो है वो एंड पर आएगा, ये फिक्स है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 पर्सन है। अगर मान लो c जो है वो लेफ्ट एंड पर आता है तो यहाँ पर तो आएगा नहीं m के एडजेसेंट, ऑब्वियसली वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गए, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि 2 का गैप करके आपका c आए। ठीक, ये पहली पॉसिबिलिटी है। देन इसके अलावा देखोगे आप तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि m यहाँ पर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 आपका यहाँ पर भी c आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ये कितने हो गए, 8 हो गए, तो 9, 10 की सीट यहाँ बढ़ सकती है, या फिर आपका यहाँ पर सी आ सकता है तो यहाँ पर खाली एक सीट बढ़ेगी, या फिर यहाँ पर एक भी सीट नहीं बढ़ेगी, एम ऐसी ही रहेगा। सी यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब आप देखो 10, 10 का मैंने सबकी सीट्स जो है वो बना दी। ठीक, इसमें देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है ना, तो यहाँ पर आप एक सीट इधर की तरफ बढ़ाओगे बिकॉज सी तो एंड में आएगा, है ना। अब आप देखो वाई के सेकेंड टू दी राइट, सॉरी वाई के सेकेंड टू दी लेफ्ट में आपका आई आएगा, सो वाई के सेकेंड टू दी लेफ्ट में आपका आई आएगा, तो वाई यहाँ पर और आई यहाँ पर आ सकता है फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में देखोगे तो आपका जो y है वो यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर p फिक्स है। ओके, अच्छा, इसमें आप देखोगे तो क्या आप y और i को फिक्स कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये कंडीशन कट हो जाएगी। इस कंडीशन में भी आप y और i को फिक्स नहीं कर सकते, ये कंडीशन भी कट हो जाएगी। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर y और यहाँ पर i आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर भी y और यहाँ पर i आप फिक्स कर सकते हो। ठीक, उसके बाद इसे हटा दो, o और o के आपके राइट साइड में l आएगा, तो o यहाँ पर और l यहाँ आ जाएगा। इस कंडीशन में o यहाँ पर l यहाँ पर, इस कंडीशन में o यहाँ पर और l यहाँ आ जाएगा। अब देखो इन तीनों में से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों वर्ड आपको देख के लगेगा कि ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, है ना, अजीब ही स्पेलिंग है, जबकि ये वर्ड आपको बिल्कुल सामने दिख जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक, जटिलता। ओके, इजी सा वर्ड है, ज्यादातर आप लोग सुनते ही रहते होंगे। यहाँ पर ये दिया गया है विच एमंग द फॉलोइंग मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द गिवन मीनिंगफुल वर्ड। ठीक, तो ये काफी इजी होते हैं, देखो फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, फिर उसके बाद फोर्थ पी ले लिया और सिक्स्थ हो गया ई। ठीक, सो आपको सीधा सीधा ऐसे ही कॉप मिल जाएगा। फिफ्थ पोजीशन किसकी है, राइट से, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो किसकी है, ई की, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहां से जाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदर वीडियोस को यहाँ प्लेलिस्ट में आप लोग वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।